शुभ प्रभात बच्चों, आज हम लोग माता का आंचल को पढ़ेंगे। माता का आंचल पाठ श्री पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उन्हें अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर चलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर वह बाहर जाते, जब माँ जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथ कर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रहते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे, घरौधे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिर में चुपके से बैठ जाते। जाने पर जब लोगों को खाने से पहले उठा दिया जाता था तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में जाते हुए लड़कों की टोली में मुसन तिवारी, जो बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया, मुसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मुसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए और वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों के पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर उन्हें चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़कते गिरते हुए पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के पास ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ की माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। जो इसको बढ़िया से सारांश मैं दे रहा हूँ, इसको आप पढ़िएगा अच्छी तरह से। और एक क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जाता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव था, फिर भी वह विपता के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे। दूसरा है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तीसरा है,
भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री उस आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। चौथा है, ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब अपनी माता या पिता का स्नेह आपके अंतर्मन को छू गया हो। पांचवा, माता का अंचल पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्र हुआ है, यह पाठ के ग्रामीण जीवन से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में पांचों प्रश्न को करेंगे और बढ़िया से इसको जिस क्वेश्चन को करने के बाद याद करेंगे और जो कॉपी में आपके क्वेश्चन जो किताब में हैं उसको भी आप करेंगे। बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो आप कहें, कमेंट करेंगे तो हम आपको मैसेज के द्वारा उत्तर देंगे। धन्यवाद।